हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V30 Pro फ़ोन है, तो वीवो V30 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को आप कैसे हटा सकते हैं, या फिर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को बंद कर सकते हैं वीवो V30 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और अलार्म्स को कैसे ऑफ़ कर पाएंगे वीवो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को आप कैसे अपने फ़ोन में बंद कर सकते हैं या फिर कैसे ऑफ़ कर सकते हैं अलार्म्स को वीवो V30 Pro फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को ऑफ़ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। वो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो अलार्म्स वगैरह को आप कैसे अपने फ़ोन में बंद कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स है शो होती है, जहाँ से आप अलार्म वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं, जिससे अलार्म है म्यूट हो जाएगा और आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा। एंड अलार्म टाइमिंग को क्लॉक्स पे जाकर आप ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ़ कर देंगे तो अलार्म आपके फ़ोन में ऑफ़ हो जाएगा और कोई भी अलार्म टाइमिंग है आपके फ़ोन में शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं, या फिर किसी भी अलार्म टाइमिंग को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीट कर देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा अलार्म। तो इस तरीके से अलार्म को बंद कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोई भी अलार्म टाइमिंग आप सेट भी कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से सेट करते हैं तो टाइमिंग सेट हो जाता है, और ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अलार्म को ऑफ़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और हटा भी सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।